चिंता की कोई बात नहीं है, ये कोरोना तो मीडिया का फैलाया हुआ है, नॉर्मल खांसी जुकाम ही तो है, सबको होगा, डरने की कोई बात नहीं है। आपको भी ऐसे लोगों ने बोला होगा ना, आपको भी ऐसे मैसेजेस आए होंगे, पर डरने की बात है, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, पेपर में श्रद्धांजलि कॉलम की जगह नहीं है, देयर इज वन डॉक्टर फॉर एवरी 1445 पेशेंट, जस्ट वन डॉक्टर। और तो और कुछ लोगों के लिए अनलॉक तो वेकेशन की तरह आया है, शॉपिंग हो रही है, सड़कों पे गोलगप्पे पार्टीज हो रही है, पर हम पार्टी नहीं कर रहे क्योंकि हम स्ट्रेस और डर में है। स्ट्रेस इस बात का कि हमारे फैमिली मेंबर्स रिस्क पर है, स्ट्रेस इस बात का कि बैक टू बैक ड्यूटीज नहीं दी, ऑन कॉल नहीं गए तो मैनेजमेंट हमें डिग्री नहीं देगा, नर्सेस को स्ट्रेस इस बात का कि मैनेजमेंट जॉब से निकाल देगा। कई हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को कोविड हो जाने पर मैनेजमेंट उनको पनिश करता है और कई डॉक्टर्स ये स्ट्रेस नहीं झेल पाते और सुसाइड करते हैं। बहुत इजी होता है घर बैठे बैठे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट, मीडिया को ब्लेम करना, पर अगर आज कोई सीनियर डॉक्टर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर ना मिलने के वजह से हमारे बीच नहीं है, तो गलती उस इंसान की है जो आज भी कंधे ऊपर करके ये कहता है कि ये कोरोना कुछ नहीं है, चल पार्टी करते हैं। गलती उन लोगों की है जो बारिश के बाद पिकनिक का प्लान बनाते हैं, और जो आप कहते हैं ना कि मास्क लगाने पर आपको सांस नहीं आती, तो एक घंटा पीपी किट पहनकर बताइए, हम पूरे दिन पीपी किट पहनते हैं, हम तो जिंदा है, हमें तो सांस आ रही है। और अगर आपको लगता है कि हर पॉजिटिव पेशेंट पे डॉक्टर को पैसे मिलते हैं, तो मैं आपको बता दूं हम अपनी सैलरी पर ही काम कर रहे हैं, कोई फॉल्स पॉजिटिव केसेस हम नहीं बताते, हम और हमारे फैमिली मेंबर्स साथ में फ्रंट लाइन पर खड़े होकर लड़ रहे हैं। हमेशा ये डर रहता है कि कहीं हमारे वजह से उनको ये बीमारी ना लग जाए। 382 डॉक्टर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स हैव डाइड ड्यू टू कोरोना, और आपको तो उन लोगों का नाम तक नहीं पता। इसलिए सिम्टम्स आते ही दिखाई, क्योंकि लोगों को कोरोना अब दो बार हो चुका है, कई लोग जो हाई इम्यूनिटी वाले हैं उनको भी हो रहा है, इसलिए कोई नहीं बचेगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही वैक्सीन है। आज उन सभी डॉक्टर्स की तरफ से जो हमारे बीच नहीं है, और वो सभी डॉक्टर्स जो दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हैं, मैं रक्षंदा आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि लापरवाही मत बरतिए, अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, क्योंकि आज हमें आपकी जरूरत है।